बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शाही फूड। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखा रही हूँ वो है बीफ चिली ड्राई। ये और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने बीफ लिया है, इसको मैंने पहले नमक डाल के बॉयल कर लिया है। और ये बीफ का स्टॉक है मेरे पास, ये 2 कप मैंने लिए। ये चिली सॉस है 2 टेबल स्पून, ये सोया सॉस 2 टेबल स्पून, ये ब्लैक पेपर है ये 1.5 टीस्पून है, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें क्योंकि इसमें भी है और सोया सॉस में भी होता है। और ये वोस्टर सॉस है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए चिली सॉस। ये केचप मैंने 2 टेबल स्पून लिए। ये कुटी हुई लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालें, ये ऑप्शनल है क्योंकि ज़्यादा वो क्योंकि चिली सॉस भी और मैं ग्रीन चिली भी इसमें डाल रही हूँ, तो ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी। कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून है, फिर मैं ये इसको पानी में डाल के घोल के देखूँगी कितना मुझे चाहिए होगा। ऑयल है, और सब्ज़ियों में जो मुझे चाहिए उसमें ये मैंने शिमला मिर्च क्यूब्स में काट लिए हैं, गाजर को ये मैंने ये कटर से काट लिया है, शेप दे लिया है, आपकी मर्ज़ी आप जिस तरह काटें। और ये मैंने मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ये मैंने ले ली हैं, और इन्हें मैंने इस तरह रेक्टेंगल में काट लिया। और इसी तरह ये सब्ज़ जो प्याज होता है ग्रीन अनियन, उसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट काट लिया है इस तरह करके, तो ये सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, अब मैं इसमें चूल्हा जला लेती हूँ, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, और ये थोड़ा सा गर्म होता है। ये ऑयल मेरा गर्म हो गया, सॉरी मैं आपको लहसुन बताना भूल गई थी। ये मैंने लहसुन लिया है 3 से 4 जवे, ये मैंने इन्हें चॉप कर लिया है, मैंने कूटा नहीं है, इसे चॉप कर लिया है। आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर दूंगी, ज़्यादा नहीं। ये जैसे ही मेरा लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें बीफ डाल दूंगी अपना। ये आप फ्राइड राइस के साथ इसे सर्व करें, वाइट राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छे बनती है। मैं इसे सॉस के साथ बनाऊंगी। बीफ चिली विद सॉस। ये लहसुन मेरा हो रहा है, अब बस थोड़ा सा और होगा तो इसमें मैं बीफ डाल दूँगी अपना। आप ये मटन से भी बना सकते हैं, इसी तरह स्ट्रिप्स में काट लें मटन को और उसे बॉईल कर लें, और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं ये इसमें डाल दी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये इसमें फ्लेवर आ जाए। एक से 2 मिनट तक मैं इसे इसमें फ्राई करूँगी ताकि इसमें अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। मैं इसमें बाकी सॉस ऐड करूँगी।
ये 2 मिनट के लिए मैंने इसे कर लिया, फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं ये ब्लैक पेपर डालूँगी, ये हाफ टी स्पून है। नमक अभी मैं हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ, बाद में इसको मैं चेक करूँगी जब मैं सब सॉस डाल लूँगी। और कुटी लाल मिर्च भी मैं हाफ टी स्पून ही डालूँगी, क्योंकि चिली सॉस भी है और चिलीज भी है। मिक्स कर लेते हैं। चाइनीज खानों को ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस तेज़ आंच पे आपने इसे जल्दी जल्दी चम्मच चला मैं। अब मैं इसमें बाकी के सॉस डालूंगी। ये इसमें केचप डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। वोस्टर सॉस 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ये सब मैंने डाल दिए और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैं गाजर अभी मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी उनको, ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए, ज़्यादा नरम नहीं करना, क्रिस्पी क्रिस्पी रखनी है सारी सब्जियों को। और सिर्फ गाजर मैं अभी डालूँगी और बाकी की चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। देखिए बीफ का कलर एकदम से चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ये शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। और ये हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर दूंगी। ये मोटी वाली हैं, जो बिल्कुल इनसे टेस्ट नहीं होता है, ये बस कलर के लिए मैंने इसमें डाली है। अच्छा टेस्ट आता है, मतलब ये लगने वाली नहीं होती। बस 1-2 मिनट में इसको भूनूंगी। फिर मैं इसमें स्टॉक ऐड कर दूंगी, फिर इसकी सीजनिंग चेक करेंगे थोड़ी सी, जो आपको कम ज़्यादा लगे, नमक और ब्लैक पेपर वगैरह आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्टॉक ऐड कर दूंगी, जो बीफ की स्टॉक थी। मिक्स करें। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये 2 कप थी मेरे पास। इसमें मैं 1/2 कप और डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी सब्जियाँ ज़्यादा है, तो क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी डालना ठीक हो जाएगा।
ये मैं इसमें हाफ कप और ऐड कर देती हूँ। अब मैंने बस इसे बॉयल आने तक इसे पकाना है। स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून। जब तक इसमें बॉयल आता मैं इसे ढक के रख देती हूँ, और जब बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी और ये हरा प्याज जो मेरे पास है वो ऐड कर ये इसमें अब बॉयल आ गया है। एक दो बॉयल मैंने आने दिए। अब इसमें मैं ये स्प्रिंग अनियन ऐड कर दूंगी और फिर मैं कॉर्नफ्लोर भी साथ ही डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लें, इनको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये फिर बहुत नरम हो जाएंगे। अब मैं साथ ही इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँ। ये मैंने 3 टेबलस्पून में हाफ कप पानी में मैंने डाला है और साथ में देखती जाऊंगी मुझे कितना इसका थिकनेस चाहिए। चूल्हा तेज़ ही होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया। इस पर मेरा ख्याल में ये जो थोड़ा सा बचा ये भी डाल देती हूँ। ये मेरा बीफ चिली विद सॉस रेडी हो गया। इसे मैं आपको सर्विंग प्लेट पे फ्राइड राइस के साथ सर्व करके बताऊंगी, दिखाऊंगी कि बहुत टेस्टी बनता है। चाइनीज़ खाने थोड़े से लाइट होते हैं, बच्चों से नहीं होती, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बस एक दो बॉयल आने पे मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसमें ये बॉयल आ गए। इसको अब ज़्यादा थिक नहीं करना। ये मेरी आज की रेसिपी बीफ चिल्ली विद सॉस रेडी हो गई है। इसे मैंने फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। इसे मेरे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.